उन वीर जवानों की शहादत पर जिस पर आज भारत की दुनिया टिकी है। आइए मिलते हैं भारत माँ के उन वीर जवानों से, भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, शिवम पंडित जी से मिलने जाते हैं। पंडित जी कहाँ है? कहीं इसके पीछे कोई अंग्रेजी चाल तो नहीं? भगत तुम यही रुको, हम देख के आते हैं। ठीक है। एक हिंदुस्तानी, एक क्रांतिकारी, पंडित जी, पंडित जी यही तो भगत है। वो तो बताना चाहिए था ना, नहीं तो यहीं पर शहीद हो जाता। पंडित जी इस देश की आजादी के लिए पैदा हुए हैं और इस देश की आजादी के लिए शहीद हो जाएंगे। आजादी आजादी आजादी, और क्या है आजादी? तुम जाते आजादी के बारे में, आजकल के नौजवान बस आजादी के नाम लगा जानते हैं। पंडित जी आजादी इस देश के हर नागरिक का अधिकार है और इसके लिए हमें अलग अलग नहीं बल्कि एकजुट होकर प्रयास करना होगा। शाबाश भगत, हमें तुम्हारे जैसे क्रांतिकारी की जरूरत है और हम सब मिलकर शपथ लेते हैं। सर्वविरोधी की तमन्ना हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए का दिल में है। मिल ये हथियार दुश्मन साथ में बैठा उधर, और हम तैयार हैं सीना लिए अपना इधर। खून से खेले ये होली घर वतन मुश्किल में है, सर्वविरोधी की तमन्ना हमारे दिल में है। फिर इसके बाद एक ऐसी शर्मनाक घटना हुई जिसने सारे देश को हिला के रख दिया, जिसके परिणाम स्वरूप पूरे देश में आक्रोश की भावना जागी थी। दलाल, दलाल असाइनमेंट कमीशन का विरोध करते हुए लाला जी की हत्या हो गई क्या? हाँ पंडित जी, जब हमारे क्रांतिकारी भाई असाइनमेंट कमीशन का विरोध कर रहे थे तो उन गोरों ने लाठी चलाने का आदेश दे दिया और हमारे क्रांतिकारी भाइयों के साथ लाला जी भी शहीद हो गए। पंडित जी अब उन गोरों से लाला जी के हत्या का बदला जरूर लेंगे, ईद का जो पत्थर चेटेंगे। तुम कहने के साथ कहना क्या है? उन्होंने लाला जी की मृत्यु की है, हम गोट के खून से लाला जी को श्रद्धांजलि देंगे। कह रहे सुखदेव पर करना क्या है? करना क्या है? जब कोर्ट अपने ऑफिस ऐसी सुबह बाहर आएगा हम उसे गोली से वही ढूंढ लेंगे। ठीक है तो कल मैं उसे उड़ा दूंगा। मरने की जल्दी पता नहीं क्यों रहती है, बस यह पर इस देश के लिए जान दे तू तो शान से जुटा रहूंगा। तुझे पता है तुमने जोश बहुत है, लेकिन एक क्रांतिकारी हमेशा अपने जोश से नहीं अपने भी काम लेता है। योजना के मुताबिक सभी क्रांतिकारी सुबह सैंडर्स के ऑफिस के सामने पहुंच जाते हैं। साइकिल पे तो आना है, क्या पार्ट क्या पार्ट साइकिल साइकिल चैन चढ़ा होगा कौन है जो भी है सारा मैटिंग दे देते हैं ना यो फोन में इनका नहीं मतलब जिसने करा था ये नाटक और स्कूल में वे तो बड़े 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 थे आइए मेरा बहुत साउंड था लोक निरंजन बोल बच्चा क्या समस्या है तेरी मैंने कड़े देखा ही कोई नहीं और क्या हुआ गए थे सालों को तुम जाओ एक सिपाही जी भी था मैं इसे संभाल लूंगा तुम जाओ यहाँ से चले जाओ मैं हिंदुस्तानी व्यवहार नहीं करता गांधी
किसने किया ये? मैं नहीं जानता हूं, से एक सिख था, गलती से करते हैं। उन्होंने डायर को गोली मार कर आतंकी वाली हरकत की है, मैं उनकी हरकत से बहुत आगा। यहाँ भगत और उसके साथी देश को आजाद करवाने में लगे हुए थे, वहाँ भगत की माँ को उसके बेटे की चिंता सताई जा रही थी। माँ तूने खाना क्यों नहीं खाया? नहीं जी, ना तक मैं अपने पापा वाले ने कुछ नहीं देख लेंगे, ना तक मैं कुछ नहीं खाना। ऐसा कब तक चलेगा माँ? ऐसे तो बीमार हो जाएगी। तू चिंता ना कर, तरुण तो आ गया हूँ, मैं ठीक हो जाने। तू बस मेरी एक इच्छा पूरी कर। कौन सी इच्छा माँ? मैं चाहनी हूँ कि तू जसप्रीत ना ब्याह करवा ले। पर तू जानती तो है माँ, मैं ऐ नहीं कहती जो तू कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं, पर हर एक माता सुनना होंगे कि अपने पुत्र नु कोड़ी चढ़ दिया वेखे। तू बस मैं और कुछ नहीं सुनना चाहती, तू रोक मैं तेरी लस्सी लेके आना। पुलिस तुम्हें ढूंढ रही है, हमें जल्दी से यहाँ से निकलना होगा, और पंडित जी ने दिल्ली बुलाया है। सारे क्रांतिकारी दिल्ली पहुँचते हैं। हालांकि ये तो सभी को पता था कि सैंडर्स की हत्या लालाजी की मौत का बदला लेने के लिए की गई थी, पर अंग्रेज इन्हें हत्यारा बता रहे थे। कांग्रेस भी अपनी चुप्पी करके इनका समर्थन कर रही थी। इस बार उन्होंने ऐसी योजना बनाई कि गूंज इन बारे अंग्रेजों की कानक में गूंज थे। क्रांति की इस कड़ी में भगत और राजगुरु अंग्रेजों में चल रहे असेंबली में बम फेंकते हैं और ब्रिटिश हुकूमत के सामने सैंडर कर देते हैं। यू ब्लडी इंडियन, यू कैन डू नथिंग। तुम हिंदुस्तानी और कुत्तों में कोई फर्क नहीं है। तुम लातों के मुंह के बातों की भाषा समझ नहीं आती। बीटे अधिकारी बनोगे आप लूंगा, कौन ला गए बनाऊंगा, पता नहीं कैसे लड़ेगा। हाँ लड़ूंगा, सूरज से पहचान लिए जो लड़े दीन के है, पुर्जा पुर्जा खट मरे कभी ना साड़े थे। गोरो ये क्रांतिकारी का बदन है, गोरो की चमड़ी नहीं, तुम थक गए होगे, किसी और को भेजो। बीस मिनट का सात मिनट हुई है। अरे बाबा पांच मिनट पांच मिनट इसमें आठ पॉइंट दो हत्या और शांतिपूर्वक चल रही असेंबली में बम फेंकने के जुर्म में दफा 302 के तहत राजगुरु को फांसी। दफा 302 के तहत सुखदेव को फांसी और खुश कर देता है। दफा 302 के तहत भगत सिंह को फांसी और तल्लत रे टू बी हैंग्ड टिल डेथ। एक क्रांतिकारी के साथ अल्फ्रेड पार्क में पंडित जी जेल से भगत राजगुरु सुखदेव को भगाने की योजना बना रहे हैं। ये भगत ने बहुत गलत किया, एक क्रांतिकारी को कभी अपने हथियार नहीं डालने चाहिए, मुझे उन्हें सुनाना होगा, उनके बिना क्रांति अधूरी है। तुम जाओ, मैंने संभाल लूंगा, तुम जाओ। हे भारत माँ, मुझे माफ करना, मैं अपनी जिंदगी में तेरी
इतनी सेवा कर सका। मैं जब से जिया हूँ तब से आजाद जिया हूँ और आजादी अपने तेरे चरणों में अपने जीवन समर्पित करूंगा। भारत माता की मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला, रंग दे हमारे रंग दे, मेरा रंग दे बसंती चोला, 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 Amen.
मुझे बहुत दुख है कि भगत सिंह राजगुरु और सुखदेव की फांसी की खबर सुनकर मैं उनकी अपना जीवन खुशी खुशी बलिदान कर देता, लेकिन सच तो यह है कि वह खुद ही जीना नहीं चाहते थे। मैं उनकी कुर्बानी को नमन करता हूँ और मैं समर्थन नहीं करता। जरूरी नहीं है कि समर्थन ही अहिंसा, समर्थन करना ही अहिंसा का अर्थ है। मैं सत्य और अहिंसा से ही क्रांति लाई जा सकती है और बड़ी से बड़ी जंग भी जीती जा सकती है। यही है वो क्रांतिकारी जिनसे हमारे देश को आजादी मिली है। ये है देश के सच्चे योद्धा जिन्होंने अपनी जान की परवाह किए बिना देश को आजाद किया है। आइए हम खड़े होकर इनके सम्मान में और देश की आजादी के लिए लड़ने वालों के लिए हम इनको सैल्यूट करते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।